Action. बोल ना ना के पास के पास ना बोल क्या आप झूठ बोल रहे हो बोलो झूठ बोलना और झूठी रिपोर्ट्स तैयार करवाना कौन सी बड़ी बात है उनके लिए जब सुवेश ने मेरा चेकअप करवाया था तो उन्होंने किया बोल क्या एक्शन जब सुवेश ने मेरा चेकअप करवाया था तो उन्होंने झूठी रिपोर्ट्स उन्हें ईमेल करवा दी बड़ी सफाई से अपना बाप छुपा दिया अपने बेटे से पर जीजी मां Action. 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 महाराज जी दौड़ते हुए आ रहे हैं लग रहा गिर जाएंगे लास्ट लाइन लो फाल्गुनी की और महाराज जी अपने टाइम पे एंटर करो
और हां कैमरा ले जाइए वहां पे एंट्री पे एक गेट पर हां मैम आएगी अब मैं वो नहीं आती चलिए एक्शन बोल मारा पीछे बोलना है एक्शन बहुत बुरा लग रहा है ना चलिए एक काम इस मशीन के साथ साथ आप भी राधा जी की पोस्ट चले चलिए ऑर्डर बोलना है एक्शन चलिए एक काम इस मशीन के साथ साथ आप भी राधा जी की पोस्ट चले एक बात बताओ पहले तो मैं सोच रही थी कि इस मशीन को तोड़ दिया फिर मैंने सोचा अंगुली बेचारी दादा जी की पूछ ली इस मशीन के बिना उसका पूरा जयपुर जो उत्तराधिकारी का देखो देख अपने दुश्मन के बारे में इतना सोच रखो मशीन मैं भी आ गया भरत काका जगत काका आंखों पे लगाओ कुछ बालू में आ गए इस मशीन को देख के मुझे वो दिन याद आ रहा है जब तुम बहुत ही गर्व और गुमान के साथ इस मशीन को लेके बाबा बन चुके और देख आज का कुल अपमानित होके इस मशीन को लेके वापस तुम्हारा चेहरा देख के मुझे जो सुख मुझे तुम्हारा चेहरा देख के मिल रहा है ऑर्डर बोलिए एक्शन जो आनंद मुझे तुम्हारा चेहरा देख के मिल रहा है वो आनंद जो है मशीन को मेरा मुंह क्या देख रही हो उठाओ या मशीन और चली जाओ यहाँ से कर करके देखो और ये स्पीच की का फलगुनी हां ऑलरेडी लुक है फलगुनी डन कर चुकी हो Rolling and action.
महाराज, मुझसे आपका ये दुख नहीं देखा जाता। एक काम करो, मशीन के साथ तुम भी राधा जी की पोल चले जाओ। समझ गई, मशीन अब जाएगी। ओके सर, महाराज का ले लो क्या? इधर ही नहीं नहीं महाराज के इधर के सर। बड़ी बहू भोजन तो पहले जैसा भी बन रहा है बड़ी बहू, बस भोजन भी पहले जैसा वो स्वाद नहीं रहा जिसमें तुम प्यार और दुलार का जो तड़का डालती थी। अब वो बात नहीं रहा। अरे मालिक, चार बार धरिया धरिया कर रहे हो। महाराज, मुझे मुझसे आपका ये दुख देखा नहीं जाता। डर गए? एक काम करो, मशीन के साथ तुम भी राधा जी की पोल चले जाओ। एक्शन, मशीन के साथ तुम भी राधा जी की पोल चले जाओ। देखा पालकनी को? देखा आपने? ओके हाँ, ससुराल तो बेचारी आ गई लेकिन उसको एंट्री नहीं मिलती है घर में, तो वो बाहर ही है। एक्चुअली वो अपनी मशीन लेने आई है जिसकी माँ की आखिरी निशानी होती है। तो उसको फ़ोन आता है उत्तरा देवी का कि इसे ले जाओ, इसका बाड़े खाने को ले जाओ, नहीं तो मैं इसको तोड़ दूँगी, फेंकवा दूँगी कचरे में। तो उसको बचाने के लिए वो भागी भागी आती है और बस ये होता है। उतनी देर में उसे सुयश दिखता है और उनके बीच में एक मोमेंट होता है और ये मेरा दुपट्टा एज यूजल फंस जाता है और बस फिर भी वो चले जाते हैं। गुस्सा है क्योंकि वो मुझसे तो यस चले जाते हैं लेकिन मेरा दुपट्टा रोक लेता ना, उनको पीछे मुड़ के देखना ही पड़ता है। अभी तो पता नहीं, अभी तो क्योंकि उसका मेन मोटिव वही है कि अम्बुआ गांव से उसको एक इंसान को पकड़ना है, तो वो अभी लेजर के रूप में है। अभी यहाँ पे तो वो ऐसी आई है, मतलब एक दिन के, हाँ मशीन के लिए आई है बेसिकली। तो मशीन सुना था कि वो तोड़ फोड़ने वाली है, पर वो
सही सलामत है वो सासू माँ, वो तो करती है जो वो बोलती है। तो उन्होंने बोला कि 2 घंटे के अंदर अंदर आ जाओ तो तुम्हारी मशीन सलामत मिलेगी, तो मैं आ गई हूँ 2 घंटे के अंदर तो इसलिए वो ठीक है और मैं ले जाती हूँ उसे वापस। लास्टली फैंस को क्या कहोगे? क्या कहूँ मैं फैंस को? यही कि देखो जीजी माँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे ट्विस्ट हैं और जब लेजर आ गई है उसकी एंट्री तो धांसू है, तो प्लीज़ उसे देखते रहिए और अपना प्यार देते रहिए। थैंक यू। ओके।